सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। बैठा था खबरों का एकदम खुदा, और जिसने खुदा बनकर के खबरों को ठानी थी कि अपने हिसाब से किस तरह से देश को चलाना है, और जिस व्यक्ति ने सोची थी, जिसको इतना घमंड था, क्योंकि उसके मालिक को भी घमंड है, आजकल उसका मालिक बहुत परेशान है क्योंकि उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मालिक जो है उसे बचाने की कोशिश बहुत कर रहा है, वो मालिक जो खुद झूठ बोलता है, झूठ बोलने में यकीन रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की हौसला अफजाई करने के लिए क्यों ना वो उसके पीछे होगा, क्यों ना उसको सपोर्ट करेगा। अब यहां रंडी रोना रो रहा है अर्णब गोस्वामी, शायद वर्ड गलत यूज कर दिया हो, लेकिन इसको यूपी में यही भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अर्णब ने जिस तरह से लोगों पर हमले किए, लोगों का चरित्रहरण किया, मीडिया ट्रायल चलाए लोगों के ऊपर, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपने आप को दिखाया कि मैं बड़ा हूं, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियां हैं उनसे बड़ा हूं, प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ा हूं। अमित शाह का भी बयान इस बीच आया कि किसी भी टीवी मीडिया को इस तरह का फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हजूर है कि मानते नहीं। अर्णब को पता नहीं भांग पीने का शौक है या पता नहीं क्या पीने का शौक है, या उसे अभिमान है इस बात का कि टीवी चैनल खुल गया है तो किसी की भी पतलून भी उतार लेगा, किसी की भी चड्डी उतार लेगा, किसी को भी बदनाम कर देगा, किसी पर भी मीडिया ट्रायल चला देगा, किसी को भी मीडिया ट्रायल चला करके बदनाम कर देगा। और अब तो सीधे उद्धव सरकार को बदनाम करने वाले थे, कंगना के खिलाफ भी रिपोर्ट हुई है सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में। अब अर्णब का जो रोना चल रहा है, हैशटैग चल रहा है रिपब्लिक विद छंट, 1000 पत्रकारों के खिलाफ अर्णब गोस्वामी के FIR हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, वो इसी को लेकर के बोल रहा है और दुनिया भर की बातें बोल रहा है, और कुछ ऐसे लोगों को लेके आ रहा है जो बेवकूफाना परामर्श दे रहे हैं। उनका परामर्श यह है कि सरकार जो है रोजगार खत्म करना चाहती है, कि 1000 पत्रकारों को रोजगार अर्णब आपने दे रखा है तो फिर वो उन रोजगारों को खत्म करना चाहती है। पूरे 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 एडिटोरियल टीम के खिलाफ, यानी कि मेरे यहां पे 1000 हमारे कर्मी हैं, हम सबको एडिटोरियल टीम मानते हैं, सबके खिलाफ FIR, किसी को नहीं छोड़ा गया। अर्णब, एक बहुत सिंपल सी बात है, वो ये है कि क्रिमिनल लॉ में तो वैसे भी हर व्यक्ति विशेष का एक स्पेसिफिक रोल होना चाहिए बिफोर उसके ऊपर आप क्रिमिनल FIR कर सकते हैं। यू कैन नॉट हैव वाइकेरियस लायबिलिटीज इन क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे 1000 व्यक्ति को करने के पीछे मानसिकता साफ दिखती है, और मैं आपको 8 अक्टूबर से कह रहा हूं मानसिकता तब थी जब ये वर्ड यूज किए गए थे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उनका सिर्फ एक पर्पस है, किसी तरह भारत के नंबर वन चैनल को बंद कर दिया जाए, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोल के किया जाए, चाहे आपके डिजिटल ऑपरेटर एडिटर सबको स्टेशन में रखा जाए कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए। वैसे तो सरकारें नौकरी देने में असफल हो रही हैं, और जहां पे प्राइवेट नौकरी चल रही है वहां पे बाधाएं डाल रही हैं। तो देश को रिपब्लिक से ऊपर, क्रिमिनल लॉ से ऊपर उठ के भी देखना पड़ेगा कि क्या अगर आपको कोई बिजनेस पसंद नहीं है, मीडिया तो है ही है, पर ये हर बिजनेसमैन के लिए है कि अगर आपको सरकार को कोई बिजनेस पसंद नहीं है, किस तरह वो बिजनेसमैन ऑपरेट करता है, किस तरह वो प्रमोटर ऑपरेट करता है, तो आप उसकी कंपनी बंद करने के लिए 1000 लोगों के पेट पे क्या लात मारेंगे, क्योंकि सिर्फ आपकी ईगो ये कहती है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि कोर्ट में तो इनको कुछ नहीं मिलना। हंसा की रिपोर्ट में भी आज आपकी बहुत बड़ी जीत हुई और मैंने वो देखा था। तो एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि आप हंसा रिपोर्ट दिखा सकते हैं, दूसरी तरफ ये आपके ऊपर क्रिमिनल केस डालते हैं क्योंकि हंसा रिपोर्ट आपने दिखाई है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ये सिर्फ इंटिमिडेट करने की स्ट्रैटेजी है। और मैं आपके पूरे चैनल में बोल रहा हूं कि मैंने आने से पहले एक ट्वीट किया भारत विद अर्णब गोस्वामी, और मुझे लगता है पूरा भारत आज अर्णब गोस्वामी के साथ है। और भारत ही क्या, मुझे इतने NRIs के फोन आते हैं कि हम अब सिर्फ ऑनलाइन अर्णब गोस्वामी को देखते हैं क्योंकि हमारे देश में हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है पूरा देश एक तरफा और पूरा जो भारतीय मूल के लोग हैं एक तरफा होके अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, आपकी सारी एडिटोरियल टीम के साथ है, क्योंकि सबको दिख रहा है कितनी नाइंसाफी हो रही है
और कोर्ट में मुझे पूरा विश्वास है अगर इन्होंने ये 1000 व्यक्ति पे एफआईआर की है तो इनको इतनी गंदी फटकार पड़ेगी कि ये भी सारी उम्र के लिए याद रखेंगे। नहीं ठीक है, तो मैं बात सिंपल तरीके से सामने रख रहा हूं आज कि भारत के लोग देख ले, प्रदीप भंडारी भी हमारे पास साथ है, प्रदीप भंडारी पूरे एडिटोरियल के टीम के खिलाफ एफआईआर है। मैं उस बेवकूफ व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, उस मूर्ख व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, क्या यही सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि कोरोना के लॉकडाउन में कितने लोगों की रोजगार चली गई, कितने लोगों ने रोजगार खो दिया, कितने लोग रोजगार खोने वाले हैं, कितने बैंक बर्बाद हो गए? क्या अर्णब गोस्वामी ने एक बार भी अपने चैनल से देश के लिए सवाल किया? अर्णब गोस्वामी केवल अपनी हीरोपंती के लिए अपने लिए सवाल करते हैं, देश के लिए अगर 4 सवाल भी किए अर्णब गोस्वामी ने तो मान जाऊं कि वो देशभक्त है, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है। ये अर्णब गोस्वामी का बेवकूफ चल जिस पर रत्ती भर भी विश्वास किसी देशवासी को नहीं है। टीआरपी स्कैम करता है, टीआरपी स्कैम करने में आपस में भिड़ते हैं गोदी मीडिया के, सबकी पोल खुलती है। होता है ना, आपने कहानी सुनी होगी कि परीक्षा का एग्जाम चल रहा होता है तो एग्जामिनर जो होता है वो बैठा होता है तो एक आदमी की नकल पकड़ लेता है, तो जब एक आदमी की नकल पकड़ लेता है तो जिसकी नकल पकड़ी जाती है वो और लोगों की भी बता देता है कि वो भी नकल कर रहा है, इनको भी पकड़ो। तो यही कुछ हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन 1000 जो ततैये की तरह नाचते थे, बिच्छू की तरह नाचते थे, वो रिपब्लिक टीवी के बिकाऊ पत्रकार जिनको ऑडिटोरियल समूह का बोला जा रहा है, वाकई में शर्मनाक है अर्णब गोस्वामी के लिए कि इस तरह से वो अपनी सफाई देने के लिए लगातार अपने लिए प्रोग्राम चला रहे हैं। आजकल उनके टीवी चैनल पर बिहार चुनाव के बारे में कोई अपडेट नहीं आता, उपचुनावों के बारे में अपडेट नहीं आता, एमपी चुनावों के बारे में अपडेट नहीं आता, सनसेक्स में हो रहे घोटाले के बारे में अपडेट नहीं आता, अपडेट आता है तो केवल अर्णब गोस्वामी के बारे में। तो इंडिया आस अर्णब, अर्णब मुझे बता दो जरा, मुझे आपने थका दिया, अर्णब बता दो कब देश के बारे में बात करोगे अपने आप से छोड़कर? इतनी ज्यादा FT क्यों है आपके? क्या गम है जो छुपा रहे हो? वैसे तो जो आपके साहिब है ना, जो मालिक है, जो आका है, उन्होंने गोल्डन हैंड खड़ा कर दिया आपके पक्ष में, जो CBI की जांच करने की मांग कर रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे निकले खेले खिलाड़ी, उन्होंने बोला कि राज्य सरकार से पहले जो है मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब अर्णब किस तरह बचेगा, किस तरह बचेगा अर्णब? मैं कोई सनसनी क्रिएट नहीं करना चाहता दोस्तों, इस रिपब्लिक टीवी की सच्चाई आपको भी मालूम है, इसके काले कारनामे आपको भी मालूम है। क्या अर्णब गोस्वामी हमेशा एक ऐसा चैनल नहीं रहा जिसने देश के लोगों को दिग्भ्रमित किया हो, झूठ बताया हो, झूठ पर मीडिया ट्रायल चलाए हो? केवल अर्णब गोस्वामी नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं इसमें। अर्णब गोस्वामी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने के बाद तो शायद हिट हो गए, सबने चढ़ा दिया था। लेकिन अब फिसड्डी राम साबित हो रहे हैं, कभी इनको चेहरा कहा जाता था जर्नलिज्म का, आज तो दलाली का चेहरा कहा जाता है। दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो, जरूर शेयर कीजिएगा और शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।